नाउ इन चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर. कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं है, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे. इन द रैशनल नंबर p by q, p इज़ कॉल्ड न्यूमिरेटर एंड q इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर. लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. ए रैशनल नंबर p by q इज़ सेट टू बी इन सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म इफ़ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. अगर दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी वो किसी भी टेबल से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर कटआउट नहीं हो रहा, तो हम उसे कहेंगे लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म. Now we starting exercise 9.1. Write the numerator of each of the following rational number. जो हमें rational number दिया है हम उसमें numerator बताना है. तो हमें पता है ऊपर वाला numerator है और नीचे वाला denominator. तो numerator क्या है इसमें 13. बाकी के दो पार्ट जो है खुद से करने हैं. Write the denominator of each of the following. अब हमें denominator बताना है. तो इसका denominator क्या है 24. Rest parts इसके खुद से करने हैं. In each of the following case, राइट द रैशनल नंबर हुज न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिस्पेक्टिवली गिवन बिलो. हमें अब नीचे क्या दिया हुआ है, पहले न्यूमिरेटर बता रखा है फिर डिनोमिनेटर. हमें दोनों को क्या करना है, इकट्ठा करके रैशनल नंबर बताना है. तो न्यूमिरेटर क्या है 3 की पावर 3, डिनोमिनेटर क्या है 4 raised to power 2. रैशनल नंबर क्या बनेगा, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर 3 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 4 raised to power 2. सोल्व करेंगे 3 raised to power 3, यानी 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 times 27, 4 को 2 times 16, ये आंसर आ गया. रेस्ट पार्ट खुद से करने. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. अब हमें क्या है, हमें नंबर दिया हुआ है. इस नंबर में क्या है कि हमारे पास नीचे नेगेटिव में है डिनोमिनेटर, हमें इसे पॉजिटिव में बनाना है. टू मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर विद -1. यानी हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उससे हमारे रैशनल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इट मीन्स रैशनल नंबर सेम रहेगा. तो हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड कर दिया. -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 आ गया. इट मीन्स नाउ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. अब आपको ये दे रखा है -5 -8. अब हमें इसको करना है फिर सेम, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड. -5 को -1 से करेंगे 5 आ गया, -8 को -1 से करेंगे 8 आ गया. रेस्ट टू पार्ट्स खुद से करने हैं. एक्सप्रेस 1/4 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 24. अब हमें जो रैशनल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/4, हमें इसको क्या करना, डिनोमिनेटर को 24 बनाना है. तो हमें पता है, अभी बताया मैंने कि हम किसी भी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं रैशनल नंबर को. तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 बन जाए. हमें पता लग रहा है 6 से, तो हम क्या करेंगे, टू मेक डिनोमिनेटर 24 मल्टीप्लाई 4 विद 6 एंड मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर विद आल्सो 6. तो 1/4, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6 6 4 जा 24. तो हमारे पास डिनोमिनेटर कितना आ गया 24, यही हमें चाहिए था. नाउ -100, टू मेक डिनोमिनेटर -100 मल्टीप्लाई 4 विद -25. अब -25 से क्या, क्योंकि हमें माइनस का 100 चाहिए, माइनस भी साथ चाहिएगा. एंड मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर 1 विद आल्सो -25. 1/4 × -25 डिवाइडेड बाय -25. -25 को 1 से क्या -25, -25 को 4 से क्या -100. इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से करना है. राइट 2/5 इन एन इक्विवेलेंट फॉर्म सो दैट द न्यूमिरेटर मे बी इक्वल टू माइनस. अब हमें न्यूमिरेटर चाहिए, पहले हमें डिनोमिनेटर बनाना था, अब हमें न्यूमिरेटर बनाना है -58 के इक्वल. तो टू मेक न्यूमिरेटर -58 मल्टीप्लाई 2 विद -29 एंड डिनोमिनेटर 5 आल्सो विद -29. 2/5 × -29 डिवाइडेड बाय -29, मल्टीप्लाई करो इसको तो ये बन गया -58 और ये बन गया -145. अब 400 बनाना है, हमें पता है 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 बनेगा 200 से. तो 200 से मल्टीप्लाई, 200 से डिवाइड, 200 × 2 400, 200 × 5 1000,
रेस्ट पार्ट खुद से करने हैं इसके। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जहाँ पे हमें ब्लैंक दिया हुआ वहाँ हमने पुट कर लिया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x, 40 को 1 से किया 41, 14 टू 1, 2x इज इक्वल टू 40, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो हमारे पास x में क्या वैल्यू आएगी 20। इसी तरह हम यहाँ चेक करेंगे, हमें यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक दिया हमने क्या पुट कर लिया एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया 120 से, 4 को किससे किया 90 से, सोल्व किया तो आंसर आ गया 3। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 2, 3 को किससे किया एक्स से, 2 को किससे किया 135 से, 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, कट आउट करा 45, 45 को 2 से किया 90, आंसर आ गया। सिमिलरली हेयर नाउ फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमें इक्विवेलेंट चाहिए यानी 1/2 के इक्विवेलेंट, यानी अगर हम सोल्व करें उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आए नंबर को तो हमारे पास 1/2 आना चाहिए, तो हम उसको 3 चाहिए हमें ऐसे नंबर। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये वो तीन नंबर आ गए जो इक्विवेलेंट है 1/2 के। अगर आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाते हो, कट आउट करते हो, तो ये आपके क्या आएंगे 1/2 ही आएंगे। इसी तरह यहाँ पे -3/5 के इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, सोल्ड कर लिया। अगर वो 3 की जगह 4 नंबर बोलता है, 5 बोलता है, 6 बोलता है, तो इसी तरह हम किन्हीं भी नंबरों से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते चले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बोल रहे हैं तो 2, 3, 4 से ही करना है, 5, 10, 20 से भी कर सकते थे, 10, 100, 1000 से भी कर सकते थे, ठीक है, 6, 7, 8 से भी कर सकते थे, 11, 12, 13 से भी, किसी भी नंबर से कर सकते थे, तो इक्विवेलेंट आएंगे। क्लियर। नाउ 10th क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर। अब हमें ऐसे रैशनल नंबर बनाने हैं दोनों दिए हुए नंबर से जिनके हमारे पास क्या आता है डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर हम अगर हमें सेम बनाना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली टेक एलसीएम, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब 6 बनाना है हमें, तो हमें 6 बनाने के लिए क्या करना है 1/2 है, 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरह 5/6, 5/6 में तो 6 है ही ऑलरेडी, तो ये वो दो नंबर बन गए जिनका डिनोमिनेटर सेम है। इसी तरह 8 और 12 का चाहिए, तो पहले एलसीएम लेंगे, क्या आया 24, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बने 3 से, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 5 3 जै 15, 8 3 जै 24, 12 है 12 को बनाने के लिए किससे करेंगे 24 2 से, 2 से करेंगे 7 2 जै 14, 12 2 जै 24, सोल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। अब 2/3, 5/6 एंड 7/12, अब 3, 6 एंड 12 का एलसीएम लेंगे, इसी तरह से क्या आ गया 12, 3 को 12 बनाना है तो 4 से करेंगे, 6 को 12 बनाना है तो 2 से करेंगे, 7/12 में तो ऑलरेडी 12 है ही, तो ये हमारे पास नंबर आ गए। क्लियर। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। नाउ 11th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द लोवेस्ट फॉर्म। अब लोवेस्ट फॉर्म में लाना है हमें, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक कट करना है जब तक वो सेम टेबल से कट आउट हो रहे हैं, जब वो बंद हो जाएंगे तो वो लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे 3/15 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 आ गया, 64 2 56 है, ये हमारे पास 64 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर जा रहा है ये, अब किससे जा रहा है, अब ये दोनों 16 से भी दिख रहे हैं जा रहे हैं, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 1/4, अब 1 और 4 तो जा नहीं रहे किसी टेबल से, तो लोवेस्ट फॉर्म आ गई 1/4। इसी तरह इसको देखेंगे 91 3 64 है, ये 13 की टेबल से जा रहा है, 13 7 जा 91, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, ये 7 पे जा रहा है, अब 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1/4 आंसर आ गया इसका। इसी तरह इनको कट आउट कर लेंगे, ये 44 है, 428 है,
इलेवन फोर वन जा फोर, फोर वन जा वन, फोर 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 वन जा फोर, जीरो सेवन, इलेवन बाय 107 इसका आ गया। इसी तरह इनको कट आउट करते हैं तो लोवेस्ट फॉर्म आ जाती है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भी यही है कि हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिर्फ माइनस में ध्यान रखना है, अगर दोनों माइनस के साइन है तो वो कट आउट हो जाते हैं। अगर डिनोमिनेटर माइनस का है तो हम उसको न्यूमिनेटर में माइनस का कर देते हैं। जैसे ये दोनों हैं, दोनों कट आउट हो गए, फिर इसको सोल्ड किया 2/5 आ गया लोवेस्ट फॉर्म के लिए। इसको इसमें दोनों ही पॉजिटिव है तो लोवेस्ट फॉर्म के लिए सोल्ड आउट करेंगे, इसमें दोनों माइनस है तो वो कट आउट कर दिया, बाकी लोवेस्ट फॉर्म के लिए सोल्ड आउट करेंगे। इसमें डिनोमिनेटर माइनस का है तो हमने ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देना है, लास्ट में जाके माइनस वन से मल्टीप्लाई और माइनस वन से डिवाइड कर देंगे। तो ये ऊपर न्यूमिनेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, बाकी सब लोवेस्ट फॉर्म के तरीके से ही करना है।